एनसीएल में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खुलासा होने के बाद सीबीआई की सिंगरौली में एनसीएल से जुड़े लोगों और अधिकारियों के घर छापामार कार्यवाही दूसरे दिन भी जारी रही। देर शाम तक चली इस कार्यवाही के बाद सीबीआई ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इस पूरी कार्यवाही के दौरान 4 करोड़ रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। सीबीआई की 3 अलग अलग टीमों ने एनसीएल के 4 अधिकारियों और 1 सप्लायर के ठिकानों पर लगातार 2 दिनों तक दबिश दी। इस दौरान टीम ने जरूरी दस्तावेज खंगाले। यह कार्रवाई एडिशनल एसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने की। दूसरे दिन की कार्रवाई के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एनसीएल के सीएमडी के निज सचिव सूबेदार ओझा, मुख्य प्रबंधक बसंत कुमार सिंह, मेसर्स संगम इंजीनियरिंग का मालिक रविशंकर सिंह, रविशंकर सिंह के सहयोगी दिवेश सिंह और जबलपुर सीबीआई के डीएसपी जॉय जोसेफ दामले शामिल हैं। सीबीआई ने इनके यहां से तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।